नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ अच्छा सा नया प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने लिखा भी है कि यह जो चैनल है हमारे ब्लॉग्स, हमारी कविताएं, हमारी लेखनी, हमारे भाव, हमारी शायरी इत्यादि के लिए है। तो आज वैसे ही मैं आपके सामने एक अपनी लिखी हुई कविता, अपनी भावना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक स्वप्न। कि स्वप्न में हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं सपने हमें, तो सबको ही आते होंगे। और उनका कोई मतलब आँख नाक पैर कुछ होता नहीं है ना, मतलब कुछ भी हो सकता उसमें, सपना ही हुआ। तो ऐसा ही मैंने भी एक दिन लिखा था, बहुत पहले की बात है। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि इसके बोल हैं। जब सुसुप्तावस्था में मैं था, सुसुप्तावस्था यानी सोई हुई अवस्था, जब सुसुप्तावस्था में मैं था, एक स्वप्न में आनंदित मैं था। वह स्वप्न नहीं, एक अजरज था, सच कहूं तो जैसे हकीकत सा। एक स्वर्णिम दुनिया में मैं था, एक स्वर्णिम दुनिया में मैं था। वह दुनिया इतनी सुंदर थी जिसमें हर पल वश खुशियां थी। वह खुशियां आदि भौतिक थी, फिर भी लगती वह दैविक सी। ना कमी न कोई लालच था, सब हर्षित थे जीवन में। एक दिन एक ऐसा पल आया, एक दिन एक ऐसा पल आया, मानो पंकज जल में खिल आया। वो या स्वप्न में भी एक स्वप्न से था, पर स्वप्न में भी प्रत्यक्ष वो था। एक दूर वो ओझल दृश्य सा था। अब मुझे क्या दिखा सपने में, मतलब सपने में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सपना सा हो रहा है। होता है ना, जैसे कि हमें लगता है अरे यार ऐसा लग रहा हो कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, तो वही वाला यहाँ पे दृश्य आ चुका है। तो क्या दृश्य है अब देखिए। एक दूर वो ओझल दृश्य दिखा, मुझे दिखा जो कुछ झिलमिल सा था। मैं उत्सुक जब उस ओर बढ़ा, मानो सहसा बेहोश हुआ, जब स्वप्न में भी जागृत में हुआ, जब स्वप्न में भी जागृत में हुआ, एक अलख दृश्य मैंने पाया। स्वानुमान से कहता हूँ झूठ नहीं, वो जीवन का सबसे हंसी पल था, वह जीवन का सबसे हंसी पल था, मुझे देख के वो जब वो मुस्काई। अब देखो क्या देखा, वो आ चुका है कि मुझे देख के जब वो मुस्काई, मानो धरा परंभा उतर आई। वह इतनी सुंदर कोमल थी, जैसे नौ वृक्ष पे निकली हरियाली। वह चांद से सुंदर शीतल थी, सच कहूं तो लगती चांद ही थी। उसके मुखमंडल पे अधर कांति चांदी सी छटा दर्शाती थी। मैं मूंद मूंद आंखें अपनी उसे बार बार निहार रहा, उसे देख के मैं ये सोच रहा, कुदरत का क्या एक करिश्मा है। वो सचमुच है यह कोई परी, लगती है जमी पे अप्सरा सी हंसी। उस नवयुवती के यौवन से खुशबू ऐसे प्रतीत हुए, मुझे लगता यह नवयौवना तो अभी अनाघ्रात पुष्प से कोमल है। अनाघ्रात यानी कि अनाघ्रात पुष्प, जिसको कभी किसी भौरे ने छुआ ना हो, सूंघा ना हो, अनाघ्रात पुष्प से कोमल है। वह आगे बढ़ी, मैं पीछे से उसके पद चिन्हों पे निकल पड़ा। वह तेज से आगे बढ़ने लगी, धीरे से ओझल होने लगी। मैं भागा जैसे चेतक सा, वह परी से उड़ती जाती थी, सहसा मानो एक खाई थी। मैं उसमें जाके पतित हुआ, जब उठा तो सपनों टूट पड़ा, चैतन्य अवस्था मैंने पाई। सोचा क्या स्वप्न था हकीकत सा, सपना ही सही सुंदर तो था, सपना ही सही सुंदर तो था। तो आपका इतने इतने मेहनान से सुनने के लिए, इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना प्यार बनाए रखना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।